क्या खाक मजा है जीने में जब आग नहीं है सीने में। तो सभी का वेलकम है, एक बार फिर से नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस 2023 के लिए आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसमें लगे रहे, लेकिन एक बार फिर से बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस 2023 की वैकेंसी बारे में पूरा अपडेट यहाँ पर मिलने वाला है। कैलेंडर कब जारी होगा, क्या 1 सितंबर से इसकी फॉर्म अप्लाई होगी, इसकी क्या सच्चाई रहेगी, क्या वैकेंसी 7547 रहेगी, इससे भी ज्यादा आएगी, क्या एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो पाएगा, जो फिजिकल कब रहने वाला है, ट्रेनिंग क्या 2023 में आपकी स्टार्ट हो जाएगी, क्या तैयारी अभी स्टार्ट करें, तो मतलब कि ये सारे अब डाउट आपके हैं कि ट्रेनिंग में आपको कब जाना हो सकता है, अभी अगर आप स्टार्ट करें तो क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखो अगर टाइम लग रहा है ना सफल होने में, तो ये मान लो उस चीज का मजा भी एक अलग ही रहेगा। वो कहते हैं ना कि जब सीने में आग ही नहीं है तो आपको मतलब करने के लिए एक आग तो लगानी पड़ेगी, अपने आप को एक उस प्रकार से आपको डेडिकेट करना पड़ेगा किसी भी चीज को पाने के लिए। तो जरूर सभी का वेलकम है एक बार फिर से एक वीडियो में। आप सभी को यहाँ पर बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आगे आपकी जरूर सफलता मिलने वाली है। तो बच्चे यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कैलेंडर के बारे में काफी अपडेट यहाँ पर आ रही है, लेकिन आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पर देने वाला हूँ। काफी बच्चों का यहाँ पर कमेंट भी आ रहा है कि सर इसकी क्या सच्चाई रहने वाली है। तो बच्चे यहाँ पर देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि जब कैलेंडर जारी होगा तो SSC के द्वारा यहाँ पर आप देखेंगे SSC अपना कैलेंडर जारी करेगी। ये SSC कब जारी करेगी इसको यहाँ पर बताने वाला हूँ, और ये कब जारी होगा इसके लिए यहाँ पर आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका कैलेंडर है SSC 2 बार साल में जारी करती है। अब जो आपका जुलाई जो कहते हैं भाई जुलाई में जारी होगा, लेकिन जी आपका जो कैलेंडर जारी होने वाला है यानी कि 25 जून को आपको यहाँ पर आप देखेंगे 25 जून और आपका जो रहने वाला है 10 जुलाई यानी कि 25 जून और 10 जुलाई ये जो बीच में आपके 15 दिन रहने वाले हैं, इन 15 दिन के अंदर ही आपका यहाँ पर कैलेंडर जारी होगा। इस कैलेंडर के अंदर आपकी SSC दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी रहने वाली उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, सारा शेड्यूल इसमें जारी रहेगा। लेकिन वैसे शेड्यूल आपका जो RTA अपन ने लगाई थी अपनी RTA में सारी चीजें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी अगर आप RTA की PDF डाउनलोड करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और वहां से आपको इस चीजें वापस से मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि क्या सर जो फॉर्म ऑनलाइन 1 सितंबर 2023 की क्या सच्चाई रहने वाली है, क्या इस बार होगा, ये फिर ऐसी हवा हवाई बातें हो रही है कि इलेक्शन की वजह से ये सारी चीजें बनाई जा रही है। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो यहाँ पर इलेक्शन की कोई बात नहीं है, आपके फॉर्म जो स्टार्ट होने वाले हैं वो 1 सितंबर 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि जो आपकी स्टार्ट होने वाले हैं तो वो यहाँ पर ये 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें 100% सच्चाई है, आपको बिल्कुल भी अपने आप को यहाँ पर इस धोखे में नहीं रखना चाहिए कि भाई कि अगर धोखे में रहेंगे ना भाई 1 सितंबर को नहीं आएगी तो फिर आप धोखे में रह जाएंगे। क्योंकि देखो जो बच्चे तैयारी लगने वाले हैं ना वो तैयारी अभी से कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर चुके हैं। अगर अभी भी आप स्टार्ट करेंगे ना तो वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप सिलेक्शन ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। तो आप इसमें बिल्कुल डाउट ना ले, जो 1 सितंबर 2023 को आपकी फॉर्म की सच्चाई है कि 100% यहाँ पर जो आपके फॉर्म आने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं कि कुल पदों की क्या सच्चाई रहने वाली, आपको ये बता चुका हूँ मैं कुल पद क्या आपकी जो 7547 जो अपने RTA लगाई थी उसके अंदर उन्होंने SSC ने बताया था कि भाई 7547 पद तब खाली थे, ये मान सकते हैं आपकी ये 2022 की मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। 2022 में अगर ये अपडेट था तो आप देखेंगे इसके अंदर पदों की बढ़ोतरी हो सकती है, इससे भी ज्यादा पद आने की संभावना है। इस बार आप देख सकते हैं ये जो भर्ती जा सकती है, ऐसे तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि भाई ट्रेनिंग के लिए जगह ही नहीं है दिल्ली की पुलिस के पास। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रेनिंग के लिए जगह इतनी भी कोई वो नहीं की 7500 लोगों की हो रही है। जब ये आप देखेंगे 5 से 6 महीने पहले ये वैकेंसी आपके पास इतने पद खाली थे, तो 5 से 6 महीने के अंदर आप देखेंगे मार्च का महीना निकला उसमें और भी रिटायरमेंट बढ़े हैं, तो आप देखेंगे ये जो वैकेंसी है ये 8000 से भी ज्यादा वैकेंसी जा सकती है, कितनी पदों पर जा सकती है यानी कि ये 8000 तक ये भर्ती जा सकती है। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये जो 7500 पद है इसमें भी बढ़ोतरी और हो सकती है, तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में लेके चलना है। और सबसे ज्यादा है कि क्या आपको एज में छूट मिलेगी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एज को लेकर यहाँ पर काफी आपके डाउट हैं। अब आप देखने वाले कि क्या सर एग्जाम है हमारी वो नवंबर या दिसंबर में जो RTA के अकॉर्डिंग बताई थी क्या वो यहाँ पर हो जाएगी टाइम पर। देखो ये जो एग्जाम आपकी होने वाली है ना वो यहाँ पर 101% मैं आपको बताने वाला हूँ, आपकी जो 101% 101% आपको ये मान के चलना है कि नवंबर दिसंबर में ही आपकी जो एग्जाम वो कंडक्ट करा ली जाएगी। क्योंकि SSC को पता है कि भाई कि जो उनको आदेश दे रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उनको यहाँ पर सीधे सीधे आदेश है कि 2024 में जो भी इलेक्शन है उससे पहले जो भर्तियां हैं उनको पूरा कर दिया जाए, बिल्कुल उसमें कोताही नहीं बरती जाएगी। तो आपको बिल्कुल मान के चलना है, ये बिल्कुल सच रहेगा कि नवंबर में ही एग्जाम हो जाएगी, लास्ट दिसंबर तक जा सकती है अगर आपकी थोड़ा लेट हुआ तो, इससे ज्यादा लेट होने का कोई चांस नहीं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे इस चीज को लेकर कि भाई कि हमें आगे टाइम मिलेगा, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं कि जो फिजिकल आपका होने वाला है
वो कब होगा, यानी कि देखो ये नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, तो फिजिकल आपका कब होने वाला है, तो फिजिकल आपका होने वाला है आप देखेंगे कि मार्च या जो आपका अप्रैल होने वाला है, कौन सा अप्रैल, यानी कि 2024 का, 2024 मार्च या अप्रैल में आपका फिजिकल होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस हमेशा से फिजिकल, पिछली बार का तो यही शेड्यूल था, एसएससी जो एग्जाम था जो भर्ती 2020 की, वो भी यही एग्जाम का जो नवंबर दिसंबर का टाइम था उसके अकॉर्डिंग एग्जाम हुई थी, और फिजिकल आपका वही मार्च अप्रैल में कराया गया था, यानी कि इसके बाद फिर ज्यादा धूप पड़ती है उस वजह से ये एग्जाम या लास्ट फिजिकल आपका यहाँ से आगे नहीं जाएगा। और इसके बाद आपकी जो प्रोसेस रहने वाली है, क्या ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग जो आपकी रहने वाली है, क्या 2024 में इसको दे देंगे या फिर इसको और लटकाएंगे। देखो जब ये सारी प्रोसेस, सारी चीजें 2024 इलेक्शन से पहले करवाने की प्रोसेस चल रही है, तो आपको कोई सोचने की बात ही नहीं है, तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं आपकी 2024 से पहले आपकी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर पूरी कंप्लीट कर ली जाएगी। आपको उसमें कोई डाउट नहीं पाना है अपने मन में 2024 में। अब अगर ये कहेगी कब तक हो सकता है, तो देखो कब तक का तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला, कब तक के लिए आपको ये सारी प्रोसेस रहने वाली है भाई, ये जो रिजल्ट वजल्ट लगा लोगों के, आपकी जो लास्ट प्रोसेस रहने वाली है वो अगस्त तक आपका ये हो जाएगा, अगस्त या सितंबर तक आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी, इसमें आपको भेज दिया जाएगा, अगस्त सितंबर तक आपकी जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, आपको बिल्कुल डाउट लेना ही नहीं है। इसके बाद आपका क्या है कि क्या अभी हम तैयारी करें, मतलब कि आपका माने कि अभी आप जैसे बिल्कुल फ्रेशर है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, पहली बार आप कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, तो अगर क्या अभी भी आप स्टार्ट करें तैयारी, तो यहाँ पर आप क्या आपके सिलेक्शन हो सकता है, तो ये सबसे बड़ा डाउट है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी 12th पास बार कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर सपना जरूर साकार हो सकता है, लेकिन सपना साकार तब भी होगा तब आप अभी से सिलेक्शन के लिए इस रेस में रहेंगे, अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो हो सकता है। अब उसकी क्या प्रोसेस रह सकती है अभी से, मतलब कि आज से ही आपको इस चीज में घुस जाना है, पूरा जो आपका सिलेबस है पुराना, उस पुराने सिलेबस को पढ़ लेना है, उस देख लेना है, मतलब पढ़ लेना है, देख लेना है कि क्या क्या है उसमें है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें, बिल्कुल आपको डाउट नहीं रखना है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, वो तो आपको सोचना ही नहीं, ये सोचना ही मेरा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, तो इसलिए पुराना एक बार पुराना जो सिलेबस है उसको देख ले, एक पेपर भी उठा के देख ले जो पिछले वाले उसको उठा के देख लेना, आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा, उसके बाद आपको आराम से अभी भी अगर आप तैयारी करें, मैं आपको यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि आप है ना जो आराम से अपनी, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे अगर आज से भी स्टार्ट करेंगे ना तो भी, लेकिन मेहनत पूरी करनी पड़ेगी 100% अगर आप मेहनत में लगते हैं अपनी तरफ से, तो आपका आज से पढ़ने पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद बात करता हूँ मैं कि आपकी थोड़ी कट ऑफ के बारे में यहाँ पर बात कर लेता हूँ, कि आखिर देखो ये सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, कट ऑफ के बारे में मैं आपको यहाँ पर बात करने की कोशिश करूंगा, ताकि थोड़ा आपका और यहाँ पर डाउट है जो क्लियर हो सके, क्योंकि आप मानते हैं ना कि भाई कि थोड़ा आइडिया रहे सर हमें कितना स्कोर, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफी बच्चे टेस्ट भी दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर पता होगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, तो मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपना स्कोर भी बढ़ा सकते हैं, और आपका अगर इतना स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ माने या फिर आपको और पढ़ने की जरूरत है, क्या कुछ करने की जरूरत है, उसको लेकर यहाँ पर आप बात करने वाले हैं। तो इस पर अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आपका सब्जेक्ट रहता है सबसे मेन जीके रहता है, इसके बाद आपकी रहती है रीजनिंग, इसके बाद आपका रहता है मैथ रहती है, और इसके बाद आपका रहता है कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट आपके चार हैं, चारों मिलाकर यहाँ पर बात करने वाले हैं, चारों में सबसे पहले आप देखेंगे इनका जो सबका वेटेज रहता है, यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहते हैं इसके, इसके रहता है 25 क्वेश्चन, और इसके रहते हैं आपके मैथ के 15, और इसकी बात करें तो ये अपने रहते हैं मतलब कि 10 क्वेश्चन, ओवरऑल मिला के बात करें तो ये यहाँ पर आपके होने वाले पूरे 100% आपको, और 90 मिनट आपको टाइमिंग यहाँ पर मिलने वाली है इस एग्जाम को सॉल्व करने के लिए, वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपकी होगी। अब आप ये मान के चले कि क्या सर ये चीजें इसमें से कितना कितना किसी की, देखो ये जीके थोड़ी अच्छी रहती है, किसी की ये थोड़ी ठीक रहती है, किसी की ये ठीक रहती है, किसी की ये ठीक रहती है, किसी की इनमें से एक एक दो दो वीकनेस रहती है, मैं मानता हूँ इस चीज को सारे कंप्लीट होना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो लेकिन ये चीजें कैसे आप बराबर कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर अगर आपकी ये थोड़ी वीक है तो आप इसमें अपने कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर इसमें थोड़ी दिक्कत है, तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ मैं। अब जैसे कि अगर कोई बात की जाए 50 नंबर की जीके है, 50 नंबर आप मानते हैं, अगर 10 नंबर की भी करंट आ रही है, क्या आ रही है 10 नंबर की, अगर आपकी करंट आ रही है ना, तो 10 नंबर की जो आपकी करंट की जीके है उसको आप अगर आप लेकर चलते हैं, और इसके बाद बात करते हैं कि और जो बाकी आपकी जीके जो स्टैटिक वगैरह लगा लोगे, अगर यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, इस 50 क्वेश्चन में आप अपने आप कैसे स्कोर बना सकते हैं वो यहाँ पर आपको जानना बहुत जरूरी है, तो इस पे इसको फिर बाद में कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से, इस पे बात करते हैं पहले, ये यहाँ पर प्रोसेस रहेगी। इसमें से अगर आप देखो थोड़ा इसमें से करंट जीके से अगर रेगुलर आप पढ़ रहे हैं तो आराम से पूरी हो जाएगी, इसी को दिक्कत है, एक दो क्वेश्चन हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, बाकी आप आराम से यहाँ पर अगर आप 30 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं, मतलब कि 30 क्वेश्चन आप राइट कर पा रहे हैं, इसमें काट पीट के 30 स्कोर आप बन रहा है, 30 स्कोर आराम से आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, रेगुलर क्लास लिए तो आराम से यहाँ पर 30 स्कोर बन सकता है अगर आप इसको करें तो। इसके बाद बात करें रीजनिंग में, अगर आप 20 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं, थोड़ा इसको हटा देता हूँ,
यहाँ से थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर आप देख लेते, डायरेक्ट अपन लिख लेते हैं, यहाँ पर आपका है 30। अगर आप जीके में 30 स्कोर बना पा रहे हैं काट पीट के, तो रीजनिंग में अगर आप नॉर्मली अगर आप करेंगे तो 20 क्वेश्चन है, और यहाँ भी बना पा रहे हैं काट पीट के। इसके बाद बात करते हैं कि आपकी यहाँ पर 8 क्वेश्चन भी अगर आप मैथ में बना पा रहे हैं, हालांकि ये वीकनेस बता रहा हूँ, 10 भी बन जाएंगे, इसको दिखे 10 तक आराम से आप स्कोर कर सकते हैं, 8 से 10 लेकर चलते हैं चलो अपने इसको। इसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन इसके भी लेकर चलते हैं। अब ये आराम से 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन रीजनिंग में हो जाएगा, और ये नहीं हो रहे तो फिर तैयारी मत करो, आपको फायदा नहीं हो रहा, आपका नहीं हो रहा है तो 50 में से 30 नंबर थोड़ा रहता है, कम ज्यादा आराम से हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी तैयारी करोगे तो ये जरूरी भी वेटेज इसका ज्यादा है। अगर अपन इसको बात करें तो ये अपना स्कोर हो सकता है, यहाँ पर देखेंगे आप 30 और 20 50 और 8 8 16 करेंगे अपन, तो यहाँ पर आप देख 50 और 16 66 नंबर हो जाएगा आपका। अगर ये सारी स्कोर आपका बन रहा है मतलब 66 आपको बिल्कुल प्योर स्कोर, इसमें कोई काटा पीटी नहीं है, और अगर इसके अंदर आप मानेंगे कि अगर 5 नंबर आप नॉर्मलाइजेशन के भी जोड़ देते जो कि बढ़ते ही हैं सबके, इसी कोई दिक्कत है नहीं इसमें, तो ये आपका 72 नंबर आपके बन जाते हैं, जो लास्ट जो आपकी कट ऑफ रही थी वो 72 रही थी जनरल कैटेगरी की। यानी अब मैं सिर्फ भाई जनरल से तो स्टार्ट करेंगे ना, पर जनरल सबसे ज्यादा जाते हैं उनकी सबसे पहले बात करेंगे, तो ये 72 जो आपकी रही थी, यानी कि ये यहाँ तक आपने ऐसा है नहीं कि भाई कि अब आप देखेंगे भाई कि सर इससे ज्यादा जा सकती, हाँ जा सकती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन पद थोड़े ज्यादा रहेंगे तो हो सकता है नहीं भी जाए, बराबर भी रह सकती है, क्योंकि इस बार रहेंगे जो 7.5-8 हजार रहेंगे, उस बार 5800 पद थे, तो ये आप अगर यहाँ तक स्कोर बन रहा है, अब आप कहेंगे सर 5 नंबर ही बढ़ेंगे जरूरी है, भाई पिछली बार मैं आपको बताने वाला 10-10 नंबर तक बढ़े बच्चों के, तो अगर आप ये मान के चले कि इसमें 10 नंबर बढ़ जाएंगे तो 76 बन रहा है, तो मैं तो आपको नॉर्मली 5 नंबर बता रहा हूँ, 5 नंबर बढ़ जाएंगे आपकी, लेकिन आराम से 10-10 नंबर भी बढ़ते हैं बच्चों के, तो आप इसको मान के चले। अब आप बोलेंगे सर इससे क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो देखो आपको नंबर कैसे बढ़ा रहे, ठीक ठीक अब आप सोच लो, यहाँ पर सुन लो और अच्छी तरह से कान खोल के सुन लो, अगर मैं मानता हूँ यहाँ पर आप 30 कर रहे हैं ना तो ये सही स्कोर है, आप अगर 30 कर रहे हैं ना तो इसको ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, ये 30 तक भी आपका बेस्ट स्कोर रहेगा जीके के अंदर। इसके बाद आपके रहने वाले ये 5 क्वेश्चन जो इसमें कम आपने छोड़े, आराम से अगर थोड़ा ढंग से भी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो मैं मान के चलता हूँ आराम से आप 24 से 25 क्वेश्चन रीजनिंग में कर देंगे, जो भी आप देखेंगे जब टॉपर जो रहेगा वो इतने करके भी आएगा। अगर आप आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतने कैसे हो जाएंगे, तो भाई जो टॉपर आएगा उससे पूछ लो, उसकी अगर आप देखेंगे ना वो इतने करके आएगा, आप भी कर सकते हैं आराम से। रही बात इसकी, इसमें आपने कर सकते हैं आराम से 15 के 15 बच्चे हैं जो करके आएंगे, 15 के 15 नंबर भी मैथ में लाने वाला है, कुछ बहुत बड़ी एक एडवांस की इसमें चैप्टर, बाकी सारी अर्थमेटिक आती है। 15 में से अगर आप देखते हैं यहाँ पर 13 से 15 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन लगाए थे, यहाँ पर 20 लगाए थे, तो यहाँ से अपने 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, और यहाँ से आप देखेंगे कि 15 में से आप देखेंगे 6 से 7 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, 6 और 7 क्वेश्चन अगर यहाँ से बढ़ रहे हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन मानते हैं 4 यहाँ पर बढ़ रहे हैं, 6 यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे सीधे सीधे 10 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अपन ने कितने करे थे पहले 67 क्वेश्चन होते, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर 76 तो आपका बिल्कुल नॉर्मल स्कोर रो मार्क्स हो जाएगा। अगर इस 76 नंबर में से आप देखेंगे यहाँ पर 5 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन का अगर बढ़ जाते हैं, मिनिमम लेकर चल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आपका नंबर हो जाएगा 81, जो कि आपने देखा था कि पिछली बार 72 से कितना ज्यादा है, 9 नंबर ज्यादा है। यहाँ पर आप देखेंगे कट ऑफ से, तो यानी जनरल की कट ऑफ इतनी कभी जिंदगी में आज तक गई नहीं, इतिहास में जाएगी भी नहीं इससे ज्यादा, क्योंकि पेपर का लेवल इस प्रकार से सेट किया जाता है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा भी नहीं रहे, 70 के आसपास ही रखने की कोशिश करते हैं। एक बार 77 रही थी, उसके बाद नहीं रही। अब आप देखेंगे अगर 81 स्कोर में बता रहा हूँ, अगर किस्मत आपकी हो तो 10 नंबर भी बढ़े, क्योंकि लड़कों की बढ़े पिछली बार नॉर्मलाइजेशन की बात है भी नहीं, तो ये आपका बहुत बेस्ट रणनीति रहेगा। अगर इसको आप फॉलो करते हैं ना, तो मैं मानता हूँ कि सभी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, स्टडी को लेकर सभी करते हैं फॉलो, तो आपको यहाँ पर 100% यहाँ पर सिलेक्शन के जो चांस है वो यहाँ पर बन जाएंगे। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहा, आपने सभी ने पूरा देखा, नहीं भी देखा तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी वीडियो दिखाए, उनको भी इसके बारे में बताया कि अपन यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे आपके लिए जो सजेशन हो सकते हैं वो देते हैं। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, और चैनल को नए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, कोई डाउट अगर कमेंट कर देना। मिलते हैं सभी एक नेक्स्ट अपडेट में, सभी को जय हिंद जय भारत।